गुड मॉर्निंग हमारे तरफ से सभी को, और मुझे विश्वास है कि आप लोग पढ़ाई करते होंगे, घर पर सुरक्षित रहकर ध्यान से पढ़ते होंगे। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग की कोशिश भी कामयाबी की सीढ़ी है। अगर जब तक आप लोग कोशिश नहीं करेंगे तब तक कामयाबी नहीं मिल सकती है। आप लोग ने देखा इस बार का रिजल्ट कितना अच्छा आया, और कोशिश करिए कि आप लोगों के भी रिजल्ट अच्छे से आए, अच्छे नंबर से पास करिए। आप लोग घर पर आइए, बहुत जल्द ही देखा जाए तो विद्यालय खुलने का जो है कवायद शुरू हो चुका है। देखिए कब खुलता है विद्यालय, मैं कुछ दिन से नहीं आ रहा था, कुछ निजी कारणों से मैं जो है नहीं आ पाया। तो पिछले बार आज मैं आप लोगों को इतिहास सॉरी ज्योग्राफी का चैप्टर 2 बता रहा हूँ। एक दिन और आया था तो बताया था मोटे तौर पर भौतिक स्वरूप, भारत के भौतिक स्वरूप, यानी इसे भारत के भौतिक विभाग को कई भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर का महा हिमालय, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल चौथा है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, और पांचवा है तटीय प्रदेश, और छठवा है द्वीप समूह। इन्हीं पांच स्वरूपों में भारत को विभाजित करके हम लोग पढ़ते हैं। अब देखा जाए तो एक एक स्वरूपों के बारे में बात किया जाए तो आप लोग यहाँ पर एक सिंपल तरीके से इंडिया का नक्शा ले सकते हैं। ए है उत्तर, ए है दक्षिण, ए है पूर्व, ए है पश्चिम। और इन्हीं इंडिया के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ना है हम लोगों को, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत भौतिक विविधताओं का देश है और यहाँ के स्वरूप सभी जगह एक जैसे नहीं है। यहाँ कहीं पर्वत है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं समतल मैदान है, कहीं चरागाह है, कहीं नदियां है, कहीं झील है, कहीं झरने हैं, कई प्रकार के यहाँ के स्वरूपों को देखा जा सकता है। तो इन्हीं स्वरूपों के आधार पर मोटे तौर पर हम इंडिया को लगभग 6 भौतिक स्वरूपों में बांट कर इसका स्टडी किए करते हैं। इसमें पहला है उत्तर का महान हिमालय, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान जो गंगा और सिंधु नदियों के मृदा से जो है इसका निर्माण हुआ है, तीसरा है भारतीय मरुस्थल, चौथा है प्रायद्वीपीय पठार, पांचवा है तटीय प्रदेश, और छठवा है द्वीप समूह। अब देखा जाए तो इसे उत्तर का महान हिमालय नहीं कहता, उत्तर पूर्व का
ये वाला जो क्षेत्र है धनुषा का, ये वाला क्षेत्र यही है आपका हिमालय। हिमालय जो कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के विस्तृत है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है, यानी यहां से लेकर यहां तक उत्तर का महान हिमालय कहा जाता है, जो एक प्रहरी की तरह कार्य करता है और उत्तर से आने वाली शीत हवाओं से हमारी रक्षा करता है। इसे हम सागर माथा या समुद्र का मस्तक भी कहते हैं। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। हिमालय की बात किया जाए तो सबसे पहले हम इसके श्रेणियों को कई पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। मुख्य तौर पर आपके एनसीईआरटी बुक के अनुसार हिमालय के श्रेणियों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला आंतरिक हिमालय, दूसरा मध्य या लघु हिमालय, तीसरा शिवालिक। अब मैं इसकी उत्पत्ति के बारे में चर्चा कर लूं, क्योंकि आप जानते हैं कि हिमालय जहां आज खड़ा है वहां कई साल पहले हिमालय पर्वतमाला नहीं था, बल्कि एक सागर था, जिस सागर का नाम था तेतीस। सागर के उत्तर छोर की भूमि अंगारा लैंड कहा जाता था, अंगारा लैंड, और दक्षिण वाला भूमि जो है गुंडवाना लैंड कहा जाता था। अगर क्वेश्चन पूछे तो भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। बीच में एक तेतीस सागर था, क्योंकि आप जानते हैं कि गोंडवाना लैंड से निकलने वाली नदियों में अवसाद जाकर इस सागर में भरने लगे। अंगारा लैंड से भी जो नदियां आई इस सागर में, या इसमें प्रेशर पड़ा जिसके कारण इसका जो अवसाद ऊपर उठने लगा, और आज वही हिमालय जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है, बलित या नवीन पर्वत माला माना जाता है, हुआ हिमालय खड़ा। तो इस प्रकार देखा जाए तो पहला भारत का जो भौतिक स्वरूप है उत्तर का महान हिमालय। उत्तर का महान हिमालय, इस हिमालय के रेत या श्रेणियों को तीन पार्ट में बांट कर हम लोग स्टडी करते हैं, जिसमें पहला है आंतरिक हिमालय, यानी ये बीच वाला भाग है, सबसे ऊंचाई वाला भाग है, यहाँ सालों भर बर्फ से ढका रहता है। यहाँ अगर पेड़ पौधों की बात किया जाए तो पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, केवल कुछ घास मिलते हैं, जैसे अल्पाइन घास की विशेषता है कि रात को बर्फ से घास ढक कर बिल्कुल सफेद चादर की तरह दिखते हैं, और दिन में थोड़ा सा सूर्य का प्रकाश ऊपर पड़ता है तो इनके जो है पौधे ऊपर आ जाते हैं। इसलिए छोटे छोटे झाड़ियां मिलती है, घास मिलती है। आंतरिक हिमालय, इसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। या हिमाद्री का मतलब, चूंकि अधिकांश नदियां इन्हीं आंतरिक हिमालय से प्रवाहित होंगी, चाहे गंगा सिंधु मतलब या जो भी नदियों के बारे में आप लोग जो है पढ़ते हैं, तो इन्हीं जो है आंतरिक हिमालय से ये नदियां प्रवाहित हुई है। हाँ, अगर हम
और भी इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं तो इसी को एक और तरीके से बता रहे हैं उत्तर तथा पूर्वी पर्वतमाला, इसी का नाम है पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर तथा पूर्वी पर्वतमाला उतने लिख रहे हैं। उत्तर तथा पूर्वी पर्वतमाला इसमें जो है उत्तरी पूर्वी पहाड़ियां शामिल है जो मुख्य रूप से ये पार हिमालय श्रृंखलाएं, मध्य हिमालय श्रृंखलाएं और शिवालिक श्रेणियां है जो मैं अभी इसका मैं नाम लिया है। ये गली खराब कर रहा है मैं आप लोगों को बता रहा था उत्तर तथा पूर्वी पर्वतमाला ये भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियां उत्तर पश्चिम दिशा में दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ फैली हुई है। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में ये श्रेणियां पूर्व पश्चिम दिशा में फैली जबकि आपको जो है अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती है, यानी यहाँ पर आपको जो है घूम जाती है और बिल्कुल एक धनुषाकार की तरफ जो है निर्माण करती है। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये पहाड़ियां उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई है। बृहत हिमालय श्रृंखला जिसे हम केंद्रीय अच्छी कोणी के अच्छी श्रेणी कह सकते हैं पूर्व पश्चिम में विस्तृत है और पश्चिम में सिंधु नदी जब पार करती है तो वहां पर जो है एक गाछ का निर्माण करती है। इस गाछ को हम कहते हैं गिलगिट गाछ। गिलगिट गाछ गाछ क्या है तो नदियां लगातार जब प्रवाहित होती है तो पर्वतों को काट कर दो भागों में कर देती है और उसी जो है क्योंकि बार बार जल के गिरने से क्या होते हैं कि चट्टान अपरदित होकर एक गड्ढा नुमा माखड का निर्माण करते हैं जिसको हम गाछ कहते हैं। तो गिलगिट गाछ आपको जो है जम्मू कश्मीर में पड़ जाता है और ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत सिंधु नदी हिमालय से भी पूर्व में बहती थी और हिमालय का निर्माण हुआ तो सिंधु नदी जो है स्थिर रही और उसके दोनों किनारे जो है क्या हुआ कि वो पर्वतमाला खड़ा हो गया। वो गिलगिट गाज सबसे जो है फेमस गाज है और देखा जाए जैसे मान लेते हैं कि ये पर्वत है और यहाँ से जल प्रवाहित हो रहा है। लगातार जल गिरने से क्या होता है कि ये बीच वाला भाग कट जाता है, दोनों किनारा उठ जाता है। इसी किनारे को हम क्या कहते हैं गाज कहते हैं। ये घाट अत्यंत जो है रमणीक स्थल है जहाँ पर सैलानी लोग जो है घूमने के लिए दर्शन करने के लिए जाते हैं। आगे बात किया जाए तो इसकी जो है पूर्व और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम से लंबाई मैंने आप लोगों को बताया 2400 किलोमीटर। इस प्रकार इसका फैलाव पूर्व दिशा में लगभग 22 देशांतर तक है या चापाकार रूप में फैला हुआ है और इसका उन्नतर मोड़ दक्षिण की ओर है, यानी ये दक्षिण की तरफ जो है मुड़ जाता है। इसके उत्तर में तिब्बत का पठार स्थित है और इस प्रकार उत्तर भारत का विशाल मैदान इसके जो है पूर्व उत्तर भारत का विशाल मैदान उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई लगभग 160 से 400 किलोमीटर है, यानी ये अरुणाचल प्रदेश में इसकी लंबाई 160 किलोमीटर है तो जम्मू कश्मीर में लंबाई का मतलब हिमालय पर्वतमाला की चढ़ाई 400 किलोमीटर पड़ जाता है।
शरीर खराब कैसा है।